जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो गोल्डन यूनिक बॉय की है। ये सोशल मीडिया पर गोल्डन यूनिक बॉय के नाम से तो फेमस हैं और साथ ही ये लिविंग स्टैचू ऑफ मुंबई के नाम से भी जाने जाते हैं। एक गरीब घर से जन्म लेने वाले गोल्डन यूनिक बॉय कैसे इतने बड़े सोशल मीडिया स्टार बन गए और कैसे इन्होंने अपनी लाइफ में सक्सेस पाई, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले जान लीजिए, मेरा नाम है जतिन तोमर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको गोल्डन यूनिक बॉय के संघर्ष से लेकर सफलता तक की पूरी कहानी बताने वाले हैं। गोल्डन यूनिक बॉय की सारी जानकारी जानने के लिए बने रहिए हमारे वीडियो के साथ एंड तक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके फैक्ट्स। गोल्डन यूनिक बॉय का रियल नेम ग्रिजेश गौड है। इनका जन्म 4 जून 1998 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिता एक किसान थे जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। ग्रिजेश के पिता का देहांत साल 2011 में हो गया। पिता के देहांत के बाद ग्रिजेश के बड़े भाई ने घर की सारी जिम्मेदारियां संभाली। इनकी फैमिली में इनकी माँ, एक बड़े भाई और इनकी 4 बड़ी बहनें हैं। ग्रिजेश घर में सबसे छोटे थे, इसीलिए इनके घर वालों ने इन्हें बड़े लाल प्यार से पाला, जबकि ग्रिजेश के भाई ने तो कभी इन्हें पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। ग्रिजेश का जन्म बेशक गोरखपुर में हुआ था, लेकिन इनकी फैमिली कई सालों से कर्नाटक में रह रही थी। ग्रिजेश का बचपन से ही एक्टिंग के लिए लगाव था और उस एक्टिंग के लगाव के चक्कर में ये अपनी पढ़ाई भी करना नहीं चाहते थे। ग्रिजेश ने अपनी 8 तक की पढ़ाई कर्नाटक से ही की और अब ग्रिजेश ने पढ़ाई छोड़ने का पक्का मन बना लिया था, लेकिन ग्रिजेश के भाई ने इनसे कहा कि 10th तक की पढ़ाई तो पूरी कर लो। लेकिन ग्रिजेश ने अपने बड़े भाई से कहा कि मैं एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहता हूँ, लेकिन फिर ग्रिजेश के भाई ने इनसे दोबारा कहा तो बड़े भाई की बात मानकर ग्रिजेश ने अपनी 10th तक की पढ़ाई बेंगलोर से कम्प्लीट कर ली। और 10th कम्प्लीट करने के बाद ग्रिजेश को अपना एक्टिंग वाला करियर दोबारा दिखाई देने लगा और फिर आखिर वही हुआ। ग्रिजेश ने अपने घर वालों से कहा कि मैं एक्टिंग करियर के लिए कुछ करना चाहता हूँ और वो मुझे घर से हासिल नहीं हो पाएगी, इसलिए मुझे घर के बाहर जाना पड़ेगा। जब ये बात ग्रिजेश की माँ ने सुनी तो उन्होंने ग्रिजेश के बाहर जाने के फैसले को तुरंत नकार दिया, क्योंकि उनकी माँ अपने पति को तो खो चुकी थी, इसीलिए वो अपने घर के लाडले बेटे को नहीं भेजना चाहती थी। लेकिन फिर ग्रिजेश ने अपनी माँ को दिलासा दी और उन्होंने कहा कि मुंबई में मेरी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी लग गई है और मैं अपनी नौकरी के साथ साथ अपना एक्टिंग वाला करियर भी बना सकता हूँ। अपने बेटे के बार बार समझाने पर ग्रिजेश की मां मान गई। मां के मान जाने के बाद ग्रिजेश एक गेहूं की बोरी बेचकर मुंबई के लिए निकल पड़े। ग्रिजेश जहां भी रहे वो छोटी जगह ही रहे, चाहे वो कर्नाटक हो या फिर गोरखपुर, लेकिन अब उन्हें मुंबई का सफर तय करना था। जब वो ट्रेन से बोरीवली स्टेशन के लिए उतरे तो ग्रिजेश बोरीवली का नजारा देखकर दंग रह गए। लेकिन फिर ग्रिजेश अंधेरी, बोरीवली, बांद्रा जैसी कई सारी जगहों पर काम ढूंढने के लिए निकल पड़े। ग्रिजेश अपने लिए एक्टिंग से रिलेटिव काम ढूंढना चाहते थे। कुछ दिनों तक जब ग्रिजेश को नौकरी नहीं मिली थी तब तक इनके सारे पैसे खर्च हो चुके थे। सारे पैसे खर्च हो जाने के बाद ग्रिजेश ने अपने भाई से पैसे डलवाए, जिस बात का इन्हें बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि घर से निकलने के बाद ग्रिजेश नहीं चाहते थे कि उन्हें दोबारा घर से पैसे मांगने पड़े। और अब ग्रिजेश ने ठान ली कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ करके ही रहेंगे। कुछ दिनों तक ये ऑडिशन देते रहे और साथ ही ये नौकरी की तलाश भी करते रहे। तभी कुछ दिनों बाद इन्हें कैमरा होल्डर की एक जॉब मिल गई। शुरुआत में ग्रिजेश को कैमरा की ट्रेनिंग दी गई, लेकिन ट्रेनिंग के बाद भी ग्रिजेश को कैमरा संभालने में दिक्कत होती थी, लेकिन फिर भी ग्रिजेश ने हार नहीं मानी और कुछ दिनों बाद इन्होंने अपना कैमरा भी संभाला और अपने ऑडिशन भी देते रहे। लेकिन फिर भी ये अपने ऑडिशन के लिए ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि इनकी जॉब आसान नहीं थी। जॉब के बाद ये पूरी तरह से थक जाते थे और उस थकान के बाद ऑडिशन देना बहुत कठिन बात थी। एक दिन ग्रिजेश अपना फ़ोन चला रहे थे, तभी इन्होंने फॉरेन कंट्री का लिविंग स्टैचू देखा। फॉरेन कंट्री का लिविंग स्टैचू देखते ही ग्रिजेश उससे इंस्पायर हुए। वीडियो देखने के बाद ग्रिजेश ने डिसीजन लिया कि वो गोल्डन लिविंग स्टैचू बनेंगे और लोगों को एंटरटेन करेंगे। उसके बाद ग्रिजेश ने अपनी ड्रेस गोल्डन कलर की करा ली और साल 2018 में ग्रिजेश गेटवे ऑफ इंडिया पर स्टैचू बनकर खड़े हो गए। और इन्होंने अपने पास एक डोनेशन बॉक्स भी रख लिया, जिसमें लोग इनके पास पैसे डोनेट करके भी गए। उस डोनेशन से ग्रिजेश के पास कुछ पैसे आ गए। जब शाम को गोल्डन यूनिक बॉय अपने कमरे पर वापस आए तो इनके दोस्तों ने इन्हें भिखारी पाकर और जो भी मन में आया वो सब कुछ कहा। उसके बाद गोल्डन यूनिक बॉय ने अपने दोस्तों से कहा कि मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं एक कलाकार हूँ जो कि लोगों के सामने अपनी कला को प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्टैचू बनकर खड़ा होना कोई आसान काम नहीं है, मैं किसी से भीख नहीं मांगता, लोग मेरी कलाकारी देखते हैं और वो मुझे पैसे डोनेट करते हैं। ग्रिजेश के दोस्तों ने इनसे बहुत बुरा भला कहा, लेकिन ग्रिजेश अपना मिशन नहीं भूले और अगले दिन ये फिर से गेटवे ऑफ इंडिया पर खड़े हो गए। लेकिन वहाँ पुलिस आ गई और पुलिस इन्हें थाने में भी ले गई। थोड़ी देर पूछताछ हुई तो इन्होंने अपने जवाब में कहा कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ,
मैं एक स्टैचू बनकर खड़ा होता हूँ। ऐसी बात सुनकर पुलिस ने इनके साथ फोटो शूट कराए और इन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन फिर अगले दिन गिरजेश ने अपनी वो जगह बदल दी और ये गेटवे ऑफ इंडिया छोड़ आज़ाद मैदान में खड़े होने लगे। आज़ाद मैदान में गिरजेश लगभग 4 घंटे तक खड़े होते थे। 4 घंटे तक खड़ा होना और फिर ऑडिशन के लिए जाना, इतनी मेहनत शायद गिरजेश के अलावा और कोई नहीं कर पाता। लेकिन उन्हीं दिनों टिकटॉक नाम का एक ऐप ट्रेंडिंग में चल रहा था। जब गिरजेश ने इस ऐप के बारे में सुना तो इन्होंने भी टिकटॉक ज्वाइन कर लिया। टिकटॉक पर भी गिरजेश अपने गोल्डन यूनिक वाले लुक में ही दिखे और शुरुआत से ही लोगों ने इनकी वीडियोज को भी पसंद किया। टिकटॉक पर गिरजेश ने अपने 1 लाख फॉलोअर्स बहुत जल्द कंप्लीट कर लिए और साथ ही इन्हें पॉपुलर क्रिएटर का टैग भी मिल गया और तेजी से गिरजेश वायरल होते चले गए। अरे कोई ना, फिर भी ब्यूटीफुल लग रहा है। बाल खराब है तो क्या, डीमोटिवेट नहीं होने का, ब्यूटीफुल हो। मेरा नहीं बुद्धू, तुम्हारा। हाँ ठीक है ना। लेकिन कुछ दिनों बाद इंडिया में टिकटॉक बैन हो गया। जब इंडिया में टिकटॉक बैन हुआ था तब गिरजेश ने अपने 4.7 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट कर लिए थे। टिकटॉक के बैन होने के बाद गोल्डन यूनिक बॉय सोशल मीडिया के और भी कई सारे प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहे। क्या कहा? गुस्सा आ गया था। गुस्सा आएगा तो मारेगा। अरे वो मंत्री का बेटा है। मंत्री का बेटा है तो? आज के टाइम पर गोल्डन यूनिक बॉय इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर छाए हुए हैं। गिरजेश ने इंस्टाग्राम साल 2018 में ज्वाइन कर लिया था। इनकी इंस्टाग्राम आईडी गोल्डन यूनिक बॉय के नाम से ही है। इस पर इनके 711 पोस्ट में 862 के से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। इनका एक यूट्यूब चैनल भी है। इनका यूट्यूब चैनल गोल्डन यूनिक बॉय के नाम से ही है, जिस पर इनके 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। गिरजेश अक्षय कुमार, गोविंदा, नेहा कक्कर, टोनी कक्कर ऐसे कई सारे सेलिब्रिटी से मिले भी हैं और कई सारे सेलिब्रिटी के ये सॉन्ग प्रमोशन भी कर चुके हैं। गिरजेश TV9 और कपिल शर्मा शो में भी दिखाई दिए हैं। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू। मैं वहाँ पे खड़ा था तो ऐसे ऐसे पंचिंग डायलॉग दे रहे थे आप, सो मैं कभी कंट्रोल नहीं कर रहा तो खुद कांप रहा था। अरे मैं आपका फैन हो गया आपका। गिरजेश ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया और जो भी किया वो इन्होंने अपनी मेहनत और अपने हौसले के साथ हासिल किया। आज गिरजेश अपने नाम से नहीं बल्कि गोल्डन यूनिक बॉय और लिविंग स्टैचू ऑफ मुंबई के नाम से जाने जाते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। दो मीठे बोल से खरीद लो मुझको, अगर दौलत दिखाई तो सारे जहां की कम पड़ेगी। गोल्डन यूनिक बॉय यानी गिरजेश की वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई अपडेट आप तक पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी आप लोगों से नए वीडियो में। जय हिंद। ट्रिगर पे उंगली रखने वाला हर कोई शूटर नहीं होता, लड़की पे हाथ डालने वाला हर कोई मर्द नहीं होता, और अपन की औकात अपन को चाहने वालों के अलावा और कोई समझ नहीं सकता।